बारा के सीसवाले में व्यापारी की हत्या के बाद व्यापारियों में पुलिस के प्रति अब गहरा आक्रोश व्याप्त है। व्यापार महासंघ ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जाकर आक्रोश जाहिर करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अपनी विरोध रैली निकाली, जो कि प्रताप चौक पहुंचकर एक आम सभा में तब्दील हो गई। व्यापार संघ ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ललित मोहन खंडेलवाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेश भी जाहिर किया और साथ ही खंडेलवाल ने कहा कि ऐसी आशंका है कि व्यापारियों के साथ हो रही घटनाएं पुलिस के सहयोग से ही हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास होना चाहिए और यहां पर खौफ है और साथ ही अपराधी बेखौफ हैं। जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। बारां जिले में कई ऐसी घटनाएं बड़ी घटित हो चुकी जिनका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। चाहे मंडी के व्यापारी पर कातिलाना हमला हो, चाहे शिक्षक पर कातिलाना हमला हो, कई ऐसी घटनाएं हुई जिनका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। गत रात्रि को सीस वाली घटना में जो कस्बे में जो घटना हुई काफी निंदनीय है। हम उसकी गौर शब्दों में निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन पर संदेह उत्पन्न होता है व्यापारियों को कि आखिर कहीं जिले की पुलिस व्यापारियों से व्यापारियों के खिलाफ अपराधियों से मिली हुई तो नहीं है। लगता है अब पुलिस का नारा बदल चुका है। जहाँ पुलिस कहती थी राजस्थान पुलिस आमजन में विश्वास और अपराधियों में खौफ, वही नारा ठीक विपरीत हो चुका है। अपराधियों में पुलिस का विश्वास और आमजन में